Okay, so hello students, hello everyone. Let's start today's class, today's live session, which will consist of, we'll try to cover up chapter number 11, 12, 13 and 14 in today's one shot video. And let's see ki kahan tak hum kar paate hain. To chapter number 11 se hum start karenge. Aaj ka jo topic hai wo hai modern physics. Modern physics jo hai wo 11, 12, 13 jo chapters hai humare, wo cover up hota hai uske andar. Theek hai? So, अब हम स्टार्ट करते हैं जरा चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14, क्योंकि तुम लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन बस सर पर ही है. 20 को एग्जाम है तुम लोगों का, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर क्लास रख ली जाए और हम ट्राई करेंगे कि आज खत्म हो जाए ये मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट, और जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है दैट विल ट्राई टू फिनिश इन द नेक्स्ट वन शॉट वीडियो. ओके, तो आज इतना ही हो जाए तो वही काफी है. और क्विकली हम देखेंगे, ये पहले तो ये बता दें जरा कि इसके अंदर आ क्या क्या रहा है. तुम लोग अगर तुम्हें अगर पता हो तो मैं एक बार जरा बताता हूँ कौन कौन आ रहा है. पहले तो जरा मैं लाइव चैट देख लेता हूँ. तो शिवम शर्मा, हेलो भैया, हेलो शिवम. अभी तीन तीन लोग ज्वाइन हुए हैं. प्लीज लेट्स वेट फॉर लेट्स से वन मिनट एंड कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं. तब तक मैं तुम लोगों को जरा सिलेबस बता दूं. सिलेबस तुम लोगों को पता ही होगा कि डुअल नेचर ऑफ मैटर जो चैप्टर नंबर 11 है उसके अंदर जो आ रहा है वो पहले तो डुअल नेचर के बारे में, कि डुअल नेचर होता क्या है इसको जरा जानेंगे. फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन है जो कि एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ही आएगा. फिर उसके बाद हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन है, विल सी दिस. आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, वेव पार्टिकल नेचर, डी ब्रॉगली रिलेशन, ये सब है. तो इन सबको देखेंगे वन बाय वन करके. देन जो अगला चैप्टर है एटम्स, एटम्स के अंदर ज्यादा सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा ही सिलेबस है. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बस दैट्स इट. चैप्टर नंबर 13 जो है वो है न्यूक्लियाई. जो न्यूक्लियाई के अंदर है वो है कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह जो भी होता है ये सब इसके अंदर आता है. न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, ये सब है. फिर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के अंदर जो है वो हमारे एनर्जी बैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इन सब में क्या फर्क होता है ये सब हम देखेंगे. क्वालिटेटिव स्टडी है इनकी, ठीक है. और सेमीकंडक्टिंग डायोड क्या होता है, आईवी करेक्टरिस्टिक कर्व होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, डायोड एज रेक्टिफायर कैसे काम करता है, रेक्टिफायर की तरह रेक्टिफायर क्या होता है, और स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड जैसे कि एलईडी हो गया, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, और फोटो डायोड, सोलर सेल, तो ये सब हम देखेंगे, ठीक है. तो ये हमारे कोर्स के अंदर है, कोर्स का पार्ट है. सो लेट्स चेक कि कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए अभी, और लेट्स डू, लेट्स स्टार्ट. ओके, तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर नंबर 11 जो कि है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और इससे हम जरा स्टार्ट करते हैं. ओके, ठीक है, तो जरा स्टार्ट करते हैं. ओके, अच्छा मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को, एक बार बताओ जरा चैट में. निखिल शर्मा, हेलो भैया, हेलो सर, हेलो सर. ओके, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को क्लियर एकदम? यस, यू आर ऑडिबल. ओके ओके, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा है एक वन शॉट वीडियो के हिसाब से, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि जो नोट्स हैं ऑलरेडी रिटर्न जो नोट्स हैं मैं उससे तुम लोगों को पढ़ाता हूँ. अक्सर मैं क्या करता हूँ, मैं पेन टैबलेट यूज करके लिख लिख के पढ़ाता हूँ एक एक चीज. वो जनरल केस में होता है जब हम इतना हरी में नहीं होते, इतना ज्यादा जल्दबाजी में नहीं होते कि वो किया जाए, क्या कहते हैं, एक एक चैप्टर करके जब हम पढ़ते हैं तब होता है वो. अभी क्या, बड़े सारे चैप्टर एक साथ कवर करने हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे सामने नोट्स है, तुम स्क्रीन को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको नोट्स को लिख सकते हो, ठीक है. ये वेल मेंटेन नोट्स हैं प्रॉपर तुम्हारे, जो मैं अक्सर क्लासेस में पढ़ाता हूँ वही चीज़ है. तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 11, डुअल नेचर ऑफ मैटर. तो डुअल नेचर ऑफ मैटर से अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर से अगर हम स्टार्ट करें तो डुअल नेचर का क्या मतलब होता है. डुअल नेचर का मतलब होता है कि एक तो पार्टिकल नेचर है और दूसरा वेव नेचर है, ठीक है. तो ड्यूअल नेचर का मतलब है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, मतलब किसी भी मैटर का
जो भी तुम्हारा, जैसे कोई पार्टिकल अगर तुम कहो कि जिसको तुम पार्टिकल बोलते हो क्लासिकल वर्ल्ड में, उससे एसोसिएटेड एक वेव नेचर भी होगा, यानी वो एक वेव भी बनाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइट जो है, लाइट को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल वर्ल्ड में कि ये लाइट जो होती है वो वेव होती है, तो जिस तरह वो वेव होती है उसके साथ एक उसका पार्टिकल नेचर भी जुड़ा होता है। तो इस चैप्टर में जरा हम यही जानेंगे, ठीक है। क्लासिकल दुनिया में, जैसे जो हमारी रियल वर्ल्ड जिसको तुम कहते हो क्लासिकल वर्ल्ड, क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर लाइट का जो होता है, लाइट की बात करें तो वो वेव नेचर शो करती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। और क्वांटम वर्ल्ड के अंदर अगर उसी को हम देखें, लाइट को क्वांटम वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो वो पार्टिकल नेचर शो करती है, और पार्टिकल नेचर जो होता है लाइट का, पार्टिकल्स जो होते हैं लाइट के वो क्या होते हैं, फोटॉन्स, ठीक है। तो वो फोटॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं कि लाइट को अगर हम डिटेल में स्टडी करें और उसका पार्टिकल नेचर देखें, क्योंकि इसका वेव नेचर तो हम देख चुके हैं, लाइट का वेव नेचर तो देख चुके हैं, है ना। तो लाइट के पार्टिकल नेचर की अगर हम बात करें, तो पार्टिकल नेचर में जो लाइट होता है वो फोटोन होता है, और फोटोन क्या होता है, फोटोन को बोलते हैं बंडल या पैकेट ऑफ एनर्जीज हैविंग एनर्जी ई इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। तो फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है, ई इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर एच क्या होता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻³⁴ J/s। ओके, तो ये है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, इसके अंदर ई हमारी एनर्जी है, और न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी। एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू, ठीक है, एच टाइम्स न्यू, इतनी एनर्जी होती है एक फोटोन के पास। फोटोन का मतलब होता है कि लाइट, हमने अक्सर देखा कि लाइट जो होती है ऐसे वेव की फॉर्म में आगे बढ़ती है, ऐसे साइनोसॉइडल वेव हो गई, कोसाइनोसॉइडल वेव हो गई, इस फॉर्म में आगे बढ़ती है। लेकिन लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, जो कि ड्यूअल नेचर है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, उसका पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है, जिस जो लाइट का पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोटॉन्स बोलते हैं। ओके, लाइट के पार्टिकल को हम फोटॉन बोलते हैं। तो फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, ई इक्वल्स टू एच न्यू, ये एनर्जी है, जिसके अंदर ई इक्वल्स टू एच न्यू जो है, मैं एक रिलेशन हमारे पास होता है न्यू लैम्डा बराबर सी, ठीक है, न्यू लैम्डा बराबर सी। यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो लाइट की वेवलेंथ जो है वो अगर हम बात करें वो लैम्डा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है ना, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है वो एक कॉन्स्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। इस न्यू की वैल्यू को, सी बाय लैम्डा को यहाँ पे पुट करो, ई इक्वल्स टू एच सी में अगर हम पुट करें तो तुम्हें क्या दिखेगा, तो तुम कह सकते हो ई इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू की जगह एच सी बाय लैम्डा ये लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फोटोन के रेस्ट मास की बात करें, तो फोटोन के पास कोई भी मास नहीं होता, ये हो गया। बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की फोटोन की। तो फोटोन जो होते हैं दे कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन जो होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, और जिनका रेस्ट मास जीरो होता है लेकिन उनका मोमेंटा जो होता है वो इतना होता है, पी इक्वल्स टू एच एच बाय लैम्डा, ठीक है। तो अगर तुम्हें फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। जनरली क्लासिकल पार्टिकल के अंदर तुमने देखा होगा जो मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एमवी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्वांटम पार्टिकल है तुम्हारा, यानी क्वांटम पार्टिकल मतलब लाइट का जो पार्टिकल है, जो फोटोन है, उसका जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है, एच बाय लैम्डा, ये होता है। ओके, तो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन के अंदर अगर तीसरी प्रॉपर्टी देखें, तो फोटोन क्या करता है, दे नॉकआउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेता है, फोटोन की ये भी प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं ये सब जानने के बाद कि फोटोन क्या होता है, ये सब जानने के बाद हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि तुम्हारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जिस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली जो क्वेश्चन आएगा वो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से जरूर आएगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जरा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन लाइट ऑफ सफिशियंटली हाई फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एमिटेड, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है गेट एमिटेड। तो वो इसका मतलब क्या है कि जब भी एक लाइट जो है वो मेटल सरफेस पे टकराएगी तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, ठीक है। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, यानी तुमने क्या किया, लाइट को शाइन किया मेटल सरफेस पे, है ना, बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी से तुमने क्या किया, लाइट को शाइन किया किसी एक मेटल सरफेस पे, और मेटल सरफेस में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बाहर निकलेंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो बाहर निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं कि एक मेटल सरफेस पे अगर ये लाइट टकरा रही है आके, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तुम्हारे कोर्स के अंदर इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी दिया गया है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे दो मेटल प्लेट लगा दी है, इसको बोलते हैं एमिटर ई, और जिसको नेगेटिवली चार्ज है, और इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट सी। ठीक है, एमिटर नाम से पता चल रहा है कि ये एमिट करेगा, एमिट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, इसलिए एमिटर बोल रहे हैं। और दूसरी साइड ये सी प्लेट जो है इसको बोलते हैं कलेक्टर, जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्लेट बनी कैसे, हमने इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया। यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल पोटेंशियल है, बाहर से बैटरी कनेक्ट की गई है। ठीक है, तो बैटरी नेगेटिव प्लेट जो है वो इमीटर से कनेक्ट की गई है और पॉजिटिव प्लेट जो है वो कलेक्टर से कलेक्ट की गई है। अब होगा क्या, जैसे लाइट इस मेटल सरफेस पे टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के कलेक्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकल के वो कलेक्टर की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो वो क्या देंगे, वो तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट देंगे। ठीक है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जो तुम मेजर कर सकते हो, ये जो एमीटर लगा है बाहर, इससे, इसकी हेल्प से, एमीटर की हेल्प से तुम मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने सारा फिनोमिना बताया कि लाइट इस पे टकराई मेटल सरफेस पे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और निकल के भागे पॉजिटिव प्लेट तक, इसी फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट तुम्हें देखने को मिलेंगे जब तुम एमएससी फिजिक्स करोगे, मास्टर इन फिजिक्स करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि ये एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर होता है। 12th क्लास के अंदर तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो बात करते हैं आगे। इन द फिगर, ये जो जो जितना भी नीचे कहानी लिखी है, ये सारी की सारी कहानी जो मैंने बताई है तुम्हें, ये वही चीज है। पैरामीटर है टोटल तुम्हारे पास जो तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक तो लाइट की इंटेंसिटी है, एक लाइट की फ्रीक्वेंसी है, और तीसरी चीज जो है तुम्हारी, ये देखो, लाइट की एक तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे घटाओगे, दूसरा पैरामीटर है जो हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे लाइट की। ठीक है, और तीसरी चीज जो है तुम्हारा वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी को कॉन्स्टेंट रखूं और सिर्फ इंटेंसिटी को चेंज करूं तो मेरे को उसका वो दिखेगा, क्या कहते हैं, असर दिखेगा। ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस देन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो क्या होगा, इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया गया है, इन्होंने, तुम यहां से ग्राफ से देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी है जो तुम बढ़ा रहे हो, और फोटो इलेक्ट्रिक करेंट जो है जो अपने आप बढ़ रहा है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ग्राफ जो एग्जाम में पूछा जाएगा तुमसे। दूसरी बात क्या है, अच्छा लेक्चर पॉज हो गया था, ओके ओके, तो आप चल रहा है सही, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर तुम इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बढ़ेगा, जैसा हमने देखा। ठीक है, तो क्या होगा, इंटेंसिटी जो है तुम बढ़ा रहे हो और फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बढ़ रहा है। ओके, तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, यहाँ पे क्या है, देखो ये फॉर्मूला है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ाओगे, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाने का जो मतलब है वो ये है कि तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा निकलेंगे, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा टकराएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बढ़ेगा। तो ये इसके पीछे की फिजिक्स है। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करें इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो दूसरा इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने तीन पैरामीटर बताया तुम्हें, एक तो लाइट की इंटेंसिटी है, दूसरा लाइट की फ्रीक्वेंसी है, और तीसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या किया, पहले केस में दो पैरामीटर को कांस्टेंट रखा और तीसरे का असर देखा। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे कि बाकी के दो पैरामीटर को कांस्टेंट रखेंगे, यानी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और हम क्या है, सिर्फ और सिर्फ असर देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मैं तुम्हें इस ग्राफ की हेल्प से समझाता हूँ, फिगर की हेल्प से समझाता हूँ। ये देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, ये जो हमारी, ये जो सप्लाई है, बैटरी की सप्लाई है, इसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है, इसकी मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, अगर मैं इस प्लेट सी को ज्यादा पॉजिटिव बनाऊंगा, प्लेट सी को ज्यादा पॉजिटिव बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो फटाक से जाके चिपक जाएंगे प्लेट सी की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्लेट सी जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल के प्लेट सी पे जाके चिपक जाएंगे। ये हो गया एक, तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे जैसे तुम, ये लिखा है ना यहाँ पे, देखो, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट द प्लेट सी मेक्स मोर एंड मोर पॉजिटिव एट कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी,
द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इंक्रीजेज एंड बिकम्स कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड करेंट। यहाँ पे सैचुरेटेड करेंट का क्या मतलब है? वो ये मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलने थे वो निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर तुम बढ़ा रहे हो, कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो निकले थे वो फटाक से जाके इधर जाके चिपक जाएंगे। अब जब इधर जाके चिपक जाएंगे तुम्हारे, तो होगा क्या, तो होगा ये कि जो तुम्हारे जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। वो कांस्टेंट क्यों होगा? कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने थे वो निकल चुके हैं, और जितने यहाँ पे एक सेचुरेशन करंट बरकरार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्लेट सी को पॉजिटिव करने से, ज्यादा पॉजिटिव करने से तुम अंदर के इलेक्ट्रॉन, जो प्लेट के अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो भी खींच लोगे, ऐसा ऐसा नहीं है। प्लेट के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पे, और अगर इंटेंसिटी फिक्स है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने थे वो निकल गए। पॉजिटिव अगर तुम प्लेट सी को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव करते जाओगे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले थे वो सारे के सारे प्लेट सी की तरफ आ जाएंगे, और करंट जो है तुम्हारा वो इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा, और एक सेचुरेशन वैल्यू अचीव कर लेगा, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूं कि अगर मैं प्लेट सी को नेगेटिव बनाऊं, तो अगर मैं प्लेट सी को नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे थे अब वो कम अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये कम पॉजिटिव हो रहा है, लेस पॉजिटिव हो रहा है, लेस पॉजिटिव हो रहा है प्लेट सी, तो इलेक्ट्रॉन जो है इतनी आसानी से इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो रेंडमाइज हो जाएंगे, कहीं भी इधर उधर भागने लग जाएंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब प्लेट सी को तुम इतना नेगेटिव कर दोगे कि इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा ही नहीं, इससे रिपेल हो जाएगा, प्लेट सी से रिपेल हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि इफ प्लेट सी मेक्स मोर नेगेटिव, देन द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डिक्रीजेस एंड बिकम जीरो ऑन ए नेगेटिव पर्टिकुलर पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या होगा, अगर प्लेट सी को नेगेटिव किया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करेंट जीरो हो जाएगा एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे। जिस नेगेटिव पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करेंट जीरो होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। नोट, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, अगर हम अब नाउ अब क्या है, अगर अब हम इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज करें, इंटेंसिटी को इंक्रीज करें और इस प्रोसेस को सेम मैनर में आगे चलाया जाए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। हम देखते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो तुम देखोगे ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा, हमने क्लास में भी देखा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे अगले केस में कि तुमने I1, I2, I3 तीन अलग अलग इंटेंसिटी दी, तो I3 जो होगा वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी भी दी चाहे, तो उससे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, तुम्हारा ओवरऑल जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, सेचुरेशन करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन जो जब तुम इसको नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे, तो इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो एक ही पॉइंट पे बरकरार रहेगा, ठीक है, एक ही फिक्स पॉइंट पे बरकरार रहेगा। ओके, सो दिस इज द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक, ओके, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो वो ये है कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे फ्रीक्वेंसी का क्या असर होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे फ्रीक्वेंसी का जो असर है वो कुछ इस तरीके से है कि हमें बाकी दो पैरामीटर को कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, जो कि है इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस को कॉन्स्टेंट कर दूं, तो हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसकी एनर्जी बढ़ेगी, E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, न्यू बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी अगर बढ़ेगी तुम्हारी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे, ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे तो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ज्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो प्लेट सी है तुम्हारी, प्लेट सी जो थी हमारी, ये डायग्राम के अंदर जो प्लेट सी थी, ये प्लेट सी अब उन इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक पाएगी अपने तक आने से, ठीक है। तो हमें प्लेट सी को और नेगेटिव बनाना पड़ेगा ताकि जो तेजी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी मैं रोक सकूं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फिजिक्स क्या हुई, फिजिक्स ये हुई कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, ये रहा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से लाइट की एनर्जी बढ़ेगी, और लाइट की एनर्जी बढ़ेगी तो लाइट अगर ज्यादा एनर्जी की मेटल सरफेस पे फॉल होगी तो ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। उस ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकले जो है उनको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाता हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू तुम देख सकते हो, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री के लिए है
है ना, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, -V01 -V02 -V03 स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, हो गया। अब अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है हमें, ठीक है, जिसमें ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है कि तुम्हें पता है कि सर हम क्या करेंगे, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को, ओ सॉरी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं बढ़ाऊंगा लाइट की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ेगा यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये लाइन जीरो से पास नहीं होती, ये लाइन जीरो से पास नहीं होती। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो लाइन है ये जीरो से पास ना होके यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे, वो क्यों है? तो उसका कारण ये है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे अगर तुम्हारी लाइट की फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होनी चाहिए, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी तुम देते हो लाइट पे, है ना, लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी तुम लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा, जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा लो, जितना मर्जी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा लो, कुछ भी चेंज कर लो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है तो हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, यू पीपल कैन पॉज दिस वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, यू पीपल कैन राइट नोट्स एज वेल, ठीक है, तो नोट्स भी लिख सकते हो, ये हो गया। तो इसके बाद बात करते हैं जरा आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो कि नेक्स्ट पार्ट है हमारा। तो आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है? आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बोलता है, जो पहले मैं तुम्हें देसी भाषा में समझाना चाहूंगा, वो ये बोलता है कि जो तुम्हारे, देखो अब वो क्या रहा है, फिनोमिना कुछ इस तरीके से है कि हम क्या कर रहे हैं, हम मेटल सरफेस पे लाइट डाल रहे हैं, मेटल सरफेस पे लाइट डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। इसका जो पूरा डिटेल फिजिक्स है वो कुछ इस तरीके से है, एक मिनट, एक क्वेश्चन आया है, मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी हैव टू गिव टू कलेक्टर प्लेट, यस, व्हाट इज योर नेम, आई डोंट नो, आई डोंट नो, IDK इज द नेम ऑफ दिस यूजर और सब्सक्राइबर, ठीक है। तो स्टूडेंट का नाम IDK लिखा है कुछ करके, तो यहाँ पे लिखा है कि मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी हैव टू गिव टू कलेक्टर प्लेट, यस एग्जैक्टली। इसका फिजिक्स ये था कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे तुम बढ़ाते हो, लाइट की फ्रीक्वेंसी जब तुम बढ़ाते हो तो क्या होता है, E=hν इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ी, उससे लाइट की एनर्जी बढ़ती है। अब जब इंसिडेंट लाइट जो टकरा रही है मेटल सरफेस पे, उसकी एनर्जी अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, मेटल सरफेस में जो लाइट टकरा रही है वो ज्यादा एनर्जी की लाइट टकराएगी, ज्यादा एनर्जी की लाइट टकराएगी तो जो आउट वो है हमारे आउट गोइंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, और ज्यादा एनर्जेटिक चीज का मतलब क्या होता है कि वो तेजी से भाग रही होगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा है तो तेजी से भाग रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से भाग रहा होगा उसको रोकने के लिए हमें और पोटेंशियल की नेगेटिव पोटेंशियल, और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना होगा कलेक्टर प्लेट पे, सो दैट हमें, हम जो है उस इलेक्ट्रॉन को, उन इलेक्ट्रॉन्स को रोक सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइंस्टीन लॉ था वो यही समझाता है, वो ये कहता है कि आइंस्टीन लॉ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि जो तुम इंसिडेंट एनर्जी दे रहे हो, यानी इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो दो पार्ट में यूज होती है, दो टुकड़ों में यूज होती है, किन दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, वो स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट्स में, वो दो पार्ट्स ये हैं कि पहला तो कि मान लो तुमने 10 जूल इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 10 जूल तुम यूज कर रहे हो, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पे क्या, तुमने 10 जूल उसको एनर्जी दी और 10 जूल में से 3 जूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में लग गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से जस्ट बाहर निकालने में लग गई, लग गई। तो तुमने तो दी थी 10 जूल और 3 जूल में इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस से बाहर आया, अभी मूव नहीं कर रहा, सिर्फ सरफेस से बाहर आया, आया बाकी के जो 7 जूल बचे वो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निकल के भागेगा, ठीक है। तो जो बाकी के 7 जूल एनर्जी होगी वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो दो पार्ट में टूटेगी, एक होता है वर्क फंक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन इतनी, मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ सरफेस से बाहर आ पाता है और भाग नहीं पाता, उसके बाद जितनी एनर्जी बाकी तुम देते जाओगे वो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो इक्वेशन है E बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और वर्क फंक्शन का अगर तुम फॉर्मूला E को देखोगे तो एच न्यू लिख सकता हूँ, एच न्यू एनर्जी तुमने दी, जिसमें से वर्क फंक्शन को लिखो एच न्यू नॉट, और ये न्यू नॉट क्या है, अभी बताया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्या होगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एच से मल्टीप्लाई करोगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाएगी, जिसको हम वर्क फंक्शन बोल रहे हैं।
अब ये जो वर्क फंक्शन है ये क्या करेगा, ये वर्क फंक्शन जो है यानी ये कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी इसको चाहिए न्यू नॉट, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकाल सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ये इतनी एनर्जी जो यूज होगी एच न्यू नॉट, ये क्या होगी, एच न्यू नॉट जो एनर्जी है वो यूज होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और जो बाकी एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हाफ एम वी ई वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एम ई वी मैक्स स्क्वायर ये हो गया। तो इसमें तुम देख सकते हो कि ये काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला लिख रखा है इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर एग्जाम में पूछा जाए, ध्यान से सुनना, एग्जाम में तुमसे काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी की टर्म्स में पूछी जाए, स्पीड की टर्म्स में पूछी जाए, तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और अगर तुमसे काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में पूछी जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो तुम्हें लिखना है ई वी नॉट, क्या लिखना है, ई इंटू वी नॉट। ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो वो ये है कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट समझ आ गया, और ई वी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी है ई वी नॉट, और हाफ एम वी मैक्स भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर दिया इस तरीके से। तो यहां से ये जो इक्वेशन है हमारी, आइंस्टीन की जो इक्वेशन है, उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो क्या था, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब तुम क्या करोगे, ये जो एच न्यू नॉट है इसको लेफ्ट साइड लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो है, जब तुम एच न्यू में से एच न्यू नॉट माइनस कर दोगे, यानी जो एनर्जी तुमने दी उसमें से वो वाली एनर्जी माइनस कर दोगे जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में लग रही है, तो तुम्हें जो बाकी की एनर्जी है वो क्या मिल जाएगी, प्योर फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आता है, ये न्यूमेरिकल जरा सॉल्व करते हैं। वर्क फंक्शन दिया हुआ है सीजियम मेटल का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो कितना सिंपल है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी क्या बताया तुम लोगों को, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन का वैल्यू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, उसको एच से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, न्यू नॉट, न्यू नॉट बोले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, वो पूछा गया द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी हमें लैम्डा निकालना है, ठीक है। वेवलेंथ का मतलब लैम्डा निकालना है। इफ द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इतना 0.6 वोल्ट, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नॉट का वैल्यू दे रखा है। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ई वी नॉट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई वी नॉट, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डब्ल्यू तुम्हारे पास पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वी नॉट का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, ई का वैल्यू तुम्हें पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वी नॉट तुम्हें 0.6 दिया हुआ है, डब्ल्यू का वैल्यू ये रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो बचा वो क्या बचा, एच न्यू, और न्यू को तुम क्या लिख सकते हो, अभी एक इक्वेशन बताया था, न्यू को लिख सकते हो सी अपॉन लैम्डा, तो ये बन जाएगा एच सी बाय लैम्डा, क्या बन जाएगा, एच सी बाय लैम्डा। तो यहां से तुम्हारा लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। एच का वैल्यू तुम्हें पता है कॉन्स्टेंट है 6.626 × 10⁻¹⁴ जूल सेकंड, सी का वैल्यू तुम्हें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज, ये बाकी सारी वैल्यू तुम्हें पता है लैम्डा, यू कैन इजिली कैलकुलेट, और आंसर आएगा 454 नैनोमीटर, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएगा। एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है जो तुम स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। और ये सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक है, या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी फॉर्मूला बेस्ड पूछेंगे। ओके आगे चलते हैं। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, ओके, नो डाउट, ओके। तो आगे चलते हैं, जो अब है पॉइंट वो है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये कुछ लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर, वो क्या है, पहला लॉ बोलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो हम देख चुके हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा, जो हमने पहला देखा था इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इफेक्ट। दूसरा जो लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, नो डाउट सर, ओके। दूसरा जो है वो क्या है हमारा लॉ है, वो है द सेचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, द सेचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये भी हमने देखा था। अगर तुम देखोगे, मैं वापस लेके जाता हूँ तुम्हें, तो वो ये था कि तुम देखोगे कि अगर जैसे जैसे इंटेंसिटी तुम बढ़ाओगे तो सेचुरेशन करंट जो है वो भी बढ़ता चला जाता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर 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 खिसकती जा रही है इंटेंसिटी बढ़ाने से, ये सेकेंड लॉ है, ठीक है। तो पहला लॉ पढ़ लिया, दूसरा लॉ पढ़ लिया। पहला लॉ कहता है कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बढ़ेगा, दूसरा लॉ कहता है कि
कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो जो सेचुरेशन करंट है वो बढ़ेगा। तीसरा कहता है फॉर एवरी मेटल सरफेस, हर एक मेटल सरफेस के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट रेडिएशन की, कि जिससे नीचे की अगर फ्रीक्वेंसी अगर हमें हमने दी जाए, अगर हम दें उसको, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी मेटल सरफेस देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट टेक्स प्लेस नो मैटर वॉट एवर बी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसका कॉन्सेप्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो बात करते हैं चौथे लॉ की, जो कि चौथा लॉ बोलता है इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जैसा कि अभी किसी ने कमेंट में लिखा था, चैट बॉक्स में लिखा था कि सर ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत, तुरंत का मतलब कि कोई टाइम गैप नहीं रहेगा, कोई टाइम लैग नहीं रहेगा। किसके बीच में टाइम गैप नहीं रहेगा? इंसिडेंट फोटोन के बीच में, कि फोटोन टकराया और इलेक्ट्रॉन निकला, इस दौरान में कोई, मतलब जो दौरान है इसके बीच में ड्यूरेशन है, कोई ड्यूरेशन नहीं रहेगी। ठीक है, टाइम गैप नहीं रहेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली क्या बोलता है? देखो, इससे पहले डुअल नेचर के बारे में स्टडी किया गया, तो ये बताया गया कि जो लाइट है ना, लाइट जो है वो वेव नेचर की होती है, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो पार्टिकल नेचर शो करती है। ठीक है, तो डी ब्रॉगले ने बोला कि भाई अगर इस तरीके से तुम कह रहे हो कि कोई चीज अगर वेव नेचर है जिसका, और वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, तो सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं कि जो दुनिया में पार्टिकल्स होते हैं, जो हम कहते हैं जिनको पार्टिकल्स, जो ऑलरेडी पार्टिकल्स होते हैं, वो वेव नेचर भी शो करेंगे। क्योंकि तुमने वेव को जब पार्टिकल बता दिया, यानी लाइट की जो वेव थी उसको हमने पार्टिकल बता दिया, फोटोन जो उसका पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन नाउ अब जो है वो क्या हो रहा है कि हम ये भी कह सकते हैं, सिमिलर आधार पे, सिमिलर बेस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेव होती है उसको हमें, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ भी एक वेव नेचर एसोसिएट होता है। ठीक है, तो डी ब्रॉगले जो था उसने कहा, अब लोगों ने उससे कहा कि भाई तूने ऐसे बोल तो दिया दैट यू हैव टोल्ड दिस थिंग कि अ वेव इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। ओके, नाउ टेल अस द इक्वेशन। तो डी ब्रॉगले ने कहा ओके लेट मी गिव यू इक्वेशन रिलेटेड टू दैट, एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन? डी ब्रॉगले इक्वेशन इज सेइंग अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले द वेवलेंथ ऑफ रेडिएटेड पार्टिकल, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये जो सारे चीजें होती हैं, ये सारे क्या है, तुम इसको पार्टिकल कंसिडर करते हो, और जब तुम इसको पार्टिकल कंसिडर करते हो तो ये क्या होगा, जब तुम इसको पार्टिकल कंसीडर करते हो तो इसके साथ एक वेव जुड़ी हुई है, जो डी ब्रॉगले अपने नाम से वेव बोला, उसने बोला कि ये जो वेव होती है मैटर वेव, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगले वेव। ठीक है, तो उसने बोला कि ये जो वेवलेंथ होगी, जो वेव बनेगी, पार्टिकल की वेव बनेगी, और उसके एसोसिएट जो वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ जो होगी पार्टिकल की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मोमेंटम के साथ। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर लीनियर मोमेंटम, यानी लैम्डा ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का लैम्डा देखो कितना अजीब सा लग रहा है, पार्टिकल तो पार्टिकल है ना, तो पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसको बोल रहे हैं लैम्डा ऑफ पार्टिकल। वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या है कि वन बाय पी है ना, वन ओवर पी, पी बोले तो लीनियर मोमेंटम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसको प्लैंक्स कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और पी को मैं लिख सकता हूँ एम वी। तो ये फॉर्मूला बन गया लैम्डा ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू एच ओवर एम वी, जो कि है डी ब्रॉगले वेवलेंथ। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखोगे तो तुम आराम से कर सकते हो, इसका डेरिवेशन वो क्या है कि अगर मैं पार्टिकल की जगह फोटॉन्स को कंसिडर करूं, पार्टिकल की तरह है, तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, ई इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन लैमडा। ठीक है, तो यहां से एनर्जी, एक और एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है एनर्जी मास इक्वेलेंस से, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। राइट, तो एक एनर्जी ऊपर से आई है एच सी बाय लैमडा, एक एनर्जी नीचे से आई है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैमडा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा एक, तो लैमडा इक्वल टू एच ओवर एम सी। क्योंकि यहाँ पे फोटोन लिया गया था इसलिए लास्ट में ये सी निकल के आया, सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, अगर यहाँ पे फोटोन की जगह कोई पार्टिकल होता, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन प्रोटोन होता, तो यहाँ पे सी की जगह क्या हो जाता, वी हो जाता वेलोसिटी, तो लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी फॉर पार्टिकल। पार्टिकल के लिए स्पीड ऑफ लाइट की जगह हम वेलोसिटी लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से नहीं ट्रेवल कर सकता, ठीक है, वो अपनी वेलोसिटी से दौड़ेगा, जिसको हम वी बोलते हैं। तो दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो क्या है और पूछा भी जाता है, जो ये है कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो वी ऑल नो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम सब जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। राइट, ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं एम से, तो एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम, ये आ गया।
अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वी, एम वी का होल स्क्वायर, यानी एम एम वी को क्या लिख सकता हूँ, पी। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर बाय 2m। और यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर इक्वल टू 2me, और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2me। तो ये रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जो ई है वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और पी जो है वो है लीनियर मोमेंटम, राइट। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। दूसरा रिलेशन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो ये है लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी। जैसा कि हमें पता है अभी डी ब्रॉगली ने बताया, पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ जो अभी ऊपर से निकाला है, अंडर रूट 2me। तो अंडर रूट 2me मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को तुम ई वी लिख सकते हो, अभी बताया था काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल की टर्म्स में अगर लिखना हो, मतलब वेलोसिटी की टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर पोटेंशियल की टर्म्स में लिखना हो तो ई वी लिख सकता हूँ, ई वी नॉट बताया था, ई वी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ई वी लिख दिया, ई वी लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर तुम एक चीज देखोगे कि एच अपॉन में रूट अंडर 2me, सिर्फ ई तक जो पार्ट है वो कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैंने अलग लिख दिया, और 1/√v को अलग से लिख दिया। अब होगा क्या कि ये जो कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, इनके वैल्यूज रख के, जैसे इनकी वैल्यू रख के इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे ओवरऑल कॉन्स्टेंट की, तो तुम्हें जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, 1.23 नैनोमीटर। तो लैम्डा इक्वल टू 1.23 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय रूट वी। यहाँ पे वी क्या है, यहाँ पे वी वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे वी जो है वो पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू, इसको मैं 1.23 नैनोमीटर को लिख सकता हूँ 12.3 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10^-10, ओके। तो 10^-10, तो 12.3 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी। रूट वी क्या है, तुम पोटेंशियल का वैल्यू रखो एंड यू विल गेट वेवलेंथ। तो लैम्डा वी रखो, लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बेस पे न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का, तुम देख सकते हो, जिसके अंदर तुम्हें पोटेंशियल का वैल्यू दिया 56 वोल्ट और तुमसे कैलकुलेट करने का बोला है मोमेंटम, तो यू कैन इजली कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो खत्म होता है, और अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ, एटम्स के अंदर। लेट मी रीड सम ऑफ योर चैट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर नंबर 11 यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, इफ नॉट देन वी विल प्रोसीड विद चैप्टर नंबर 12, ओके। एनी डाउट्स? नो डाउट, ओके, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं जरा, एटम्स। नो डाउट, नो सर, ओके, वी आर माथुर, ओके, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 जो है एटम्स है, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके से है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि तुम्हें इसको पढ़ना कैसे है। पहले तो एटम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मॉडल आए कि पुराने जमाने से लेके जब से इसकी स्टडी स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक काफी लोगों ने एटॉमिक मॉडल दिए, लोगों ने बताया, देखा तो किसी ने है नहीं, लेकिन लोगों ने बताया कि भाई एटम ऐसा होता है, एटम वैसा होता है। तो एटम कैसा होता है ये जरा हम जानते हैं, ओके, देखते हैं जरा कैसे पता चलेगा। तो एटम के बारे में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रल चार्ज होता है जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके बारे में डिटेल स्टडी हम पढ़ेंगे इससे अगले चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 13 में, जो कि न्यूक्लियाई है, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर चैप्टर बना हुआ है अलग से। तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल पार्ट, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके आसपास वो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ओके। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये जो कुछ कांस्टेंट की वैल्यू है तुम्हें पता होनी चाहिए, एग्जाम देने जा रहे हो पता होनी चाहिए। हालांकि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पे लिखा होता है ये सारी वैल्यूज, बट स्टिल तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना, तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए चीजें। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, सेम होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। पर फर्क इतना होता है कि ये जो ओवरऑल साइन होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज पे वो नेगेटिव होता है, ओवरऑल साइन जो होता है प्रोटॉन के चार्ज पे वो पॉजिटिव होता है। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन एज द नेम सजेस्ट, नाम से पता चल रहा है न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल है, तो जब न्यूट्रल है तो उस पर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा,
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं मास की। इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 × 10⁻³¹, ये तुम्हें पता है केजी। मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 × 10⁻²¹. मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है प्रोटॉन के, 1.67 × 10⁻²¹ kg। ओके, इसके बाद बड़े सारे अलग अलग मॉडल आए एटम के, और एटॉमिक जो मॉडल्स थे वो सबसे पहले दिया जे जे थॉम्सन ने। जे जे थॉम्सन क्या बोलता था कि एटम जो है एक स्फेरिकल बॉडी है जिसके अंदर टोटल चार्ज और टोटल मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, इकट्ठा है। ठीक है, वो बोलता था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अभी जो मैंने एटम के बारे में ऊपर बताया वो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि बीच में न्यूक्लियस होता है, साइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये मॉडल बाद में आया था। थॉम्सन ने सबसे पहले मॉडल दिया था और उसने क्या बोला था, उसने कहा था कि एटम एक स्फेरिकल बॉडी है जिसके अंदर सारा चार्ज और मास कंसंट्रेटेड इकट्ठा होता है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं। अभी हम देखते हैं आजकल के मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, ऑसिलेट नहीं करते ऐसे। ठीक है, एक अपनी एक मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट नहीं करते, लेकिन जे जे थॉम्सन ने कहा था कि वो ऑसिलेट करते हैं। एटम का उसने साइज बताया था 10⁻¹⁰ m। उसने बताया था कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर है, तो एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, वो सही था, समहाउ वो सही था। ठीक है, और द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन एटम लाइक द सीड्स ऑफ वाटरमेलन। वो प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो थॉम्सन ने बोला था, वो कह रहा था कि जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज धसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के अंदर धसे होते हैं। बाद में जाके हमें पता चला कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो थॉम्सन के मॉडल में बड़ी सारी कमियां थी, तो फिर उसने क्या कहा, अगला जो मॉडल आया वो रदरफोर्ड का आया। रदरफोर्ड बताता है कि भाई एटम जो है ना वो स्फेरिकल इतना होना हो जो उसका न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल पार्ट है। तो न्यूक्लियस इज द स्फेरिकल पार्ट ऑफ एटम जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास इकट्ठा है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, सेकेंड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये इसने बिल्कुल सही बात बताई रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड कहता था इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑसिलेट नहीं करते भाई, वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तीसरा बोलता है साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का साइज जो है वो 10⁻⁴ से 10⁻¹⁴ से 10⁻⁵ ऑर्डर का होता है। टोटल नेगेटिव चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस, सो इट इज न्यूट्रल। तो ये बताते हैं। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड मॉडल हो गया। फिर इसकी कुछ वो आई थी, क्या कहते हैं, लिमिटेशन।